आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आत्मनिर्भर एवं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं की सहभागिता नेतृत्व के विकास तथा राष्ट्र और समाज की उन्नति में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के उद्देश्य से शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आयोजित होने वाले युवा महासम्मेलन में भाग लेने के लिए जिला स्तर पर युवाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थानीय मॉडल साइंस कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर रीवा जिले का नाम रोशन करें और सफल होकर लौटें। उन्होंने कहा कि जिले के युवा राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सबसे आगे होंगे तथा रीवा के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के भागीदार बनेंगे। श्री पुष्प ने कहा कि रीवा जिला विविधताओं से संपूर्ण है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का यह जिला है। यहाँ के युवा भी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर राज्य स्तर पर अपना एवं जिले का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन युवाओं की प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर है, जिसका लाभ उठाकर युवा जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने से ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तथा कुछ नया सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि युवा ऐसे व्यक्तित्व का पर्याप्त बने जो हर चुनौती का सामना कर सकने में सक्षम हो। उन्होंने युवाओं से टीम भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया तथा राज्य स्तर पर आयोजित युवा महासम्मेलन में सफलता की शुभकामना दी। इसमें पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के 7 महाविद्यालयों में युवाओं की स्क्रीनिंग की गई। जिला स्तर पर 5 समूह में विभिन्न विषयों में युवाओं के परिसंवाद के बाद चयनित 8 से 14 युवा राज्य स्तर पर आयोजित युवा महापंचायत में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संभागीय खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी एमके धौलपुरी ने बताया कि युवा महापंचायत चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के उत्साही युवाओं को एक साथ मंच प्रदान करने का माध्यम सिद्ध होगा, जहां युवा राज्य, देश और दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक चुनौतियों की पहचान के समाधान सुझाएंगे। इसके साथ ही युवाओं में नेतृत्व कौशल भी विकसित होगा। मॉडल साइंस कॉलेज में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर नीलम पांडे ने जानकारी दी कि जिला स्तर चयनित युवा राज्य स्तर पर आयोजित परिसंवाद में भाग लेकर जिले का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक, चयन समिति के सदस्य, प्राध्यापक तथा बड़ी संख्या में युवा एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।